हे गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको OnePlus Nord CE 2 को कंपेयर करने वाला हूँ आज ही लॉन्च हुए Vivo V23e 5G के साथ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord CE 2 से। तो इसमें आपको जो है वो 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एंड Vivo V23e 5G में 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड Vivo V23e 5G में जो है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है नहीं मिलता, 60 हर्ट्ज मिलता है। और OnePlus Nord CE 2 में 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग मिलता है जो Vivo V23e में नहीं देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही में आपको 2400x1080 पिक्सल्स मिलते हैं। OnePlus Nord CE 2 में Gorilla Glass 5 का सपोर्ट मिलता है जो Vivo V23e में आपको ये मेंशन नहीं है। दोनों ही में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में 16 मेगापिक्सल का जो है आपको फ्रंट कैमरा मिलता है एंड Vivo V23e में 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है एंड Vivo V23e में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में आपको MediaTek का Dimensity 900 मिलता है एंड Vivo V23e में MediaTek का Dimensity 810 मिलता है। बाकी दोनों ही में आपको 5G नेटवर्क मिलते हैं एंड दोनों ही में आपको अप टू 8GB रैम एंड 128GB रोम मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में आपको Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड Vivo V23e में Android 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। OnePlus Nord CE 2 में आपको Oxygen OS 11 मिलता है एंड Vivo V23e में FunTouch OS 12 मिलता है। यहाँ पे आपको OnePlus Nord CE 2 में 4500 mAh का बैटरी मिलता है एंड Vivo V23e में 4050 mAh का बैटरी मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग मिलता है एंड Vivo V23e 5G में 44W का फास्ट चार्जिंग मिलता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। OnePlus Nord CE 2 में आपको Wi-Fi 6 मिलता है एंड Vivo V23e 5G में डुअल बैंड Wi-Fi मिलता है। दोनों ही में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। दोनों ही में आपको USB Type-C का पोर्ट मिलता है एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो OnePlus Nord CE 2 का प्राइस है 6GB रैम एंड 128GB का ₹23,999 एंड Vivo V23e में ही का प्राइस है 8GB रैम एंड 128GB का वो है ₹25,990। और इसमें आपको जो 4GB वर्चुअल रैम भी मिलता है। सो गाइज, यहाँ पे इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेज है। बस प्राइस में आपको जो 1 to 2000 rupees का डिफरेंस मिलता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग फोटोग्राफी करते हैं या फोटो ज़्यादा लेते हैं, सेल्फी वगैरह, सेल्फी सेंट्रिक, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं, वो लोग जो है वो Vivo V23e के साथ जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे OnePlus के साथ क्या सीन है कि इसमें अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, प्लस OnePlus में आपको जो है वो कैमरा भी काफ़ी अच्छा मिलता है और बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलता है और Gorilla Glass वगैरह का भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो ओवरऑल एक अच्छा बंडल पैकेज जो है वो आपको OnePlus Nord CE 2 में मिलता है इन कंपेयर टू Vivo V23e। बट अगर आपको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना है जिसमें आपको कैमरे के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल चाहिए और फीचर्स ज़्यादा यूज़ करते हो, एडिटिंग कर रहे हो, वो सब को देखते हुए आप जो है वो Vivo के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि वो जो है बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। बाकी दोनों ही फ़ोन जो है वो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो दोनों ही फ्यूचर प्रूफ भी है। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।